हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक व्लॉग जो कि ऑलमोस्ट करवा चौथ की तैयारियों पर है। करवा चौथ के एक दिन पहले सबको बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, तो वैसे मेरे को भी बहुत सारी तैयारी करनी है। अपना करवा साफ करना है, उसको पहले निकालना है, पार्लर जाना है थ्रेडिंग कराने, और भी थोड़ा बहुत कुछ काम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अभी हम जाएंगे नीचे मार्केट। मैं अपनी सोसाइटी की मार्केट में ही जाने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पॉपअप मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं फिर। तो अभी मैं यहाँ पर पार्लर पहुँच गई हूँ। बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, एकदम भीड़ भीड़ नहीं थी, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से बाद। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है पार्लर वाला, अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सन्नाटा सन्नाटा सा ही था। ये शायद करवा चौथ की वजह से ऐसे बाहर इन्होंने अपनी शॉप से बाहर निकाल के सामान लगाया हुआ है, पर जो भी है इतने दिन बाद ऐसे बाहर खुला खुला सा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारा कलरफुल सामान था। तो आज का जो भी छोटा मोटा काम था वो मेरा सारा कुछ हो चुका है, मेरे को जो लेना था वो मैंने ले लिया है। तो अब हम चलते हैं घर। आज मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार ही पार्लर गई थी, पर वहाँ पे भी बहुत सन्नाटा था। तो अब हम घर चल के बात करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ, उसके बाद मैंने चेंज किया, लंच बनाया, उसको खाया, और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। मैंने ली हुई है ये, इन्हें सीके बोलते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है करवा चौथ के लिए। और एक ये है, इसमें उसके व्रत के बारे में लिखा हुआ है, उसकी कहानी। तो एक ये लिया है मैंने, एक ये छोटू सा लोटा जिससे पानी पीने के लिए, और मैंने लिया हुआ है ये सेट। तो मैं खोल के दिखाती हूँ, ये एक प्लेट है जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल है, और एक ये छन्नी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। नेक्स्ट मैंने ली हुई है ये चूड़ियाँ जो कि रेड कलर में है, इसके ऊपर वेलवेट लगा हुआ है, पर ये कांच की है। सिर्फ मैंने चूड़ियाँ ही ली है, कोई कंगन नहीं लिए, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ करवा चौथ पे गोल्ड वगैरह ही पहनते हैं, तो फिर मैंने नहीं लिया है। और मैंने कुछ ये बिंदी है, ये कलरफुल स्टोन्स हैं इसमें,
एक ये भी, ये कलरफुल है बिंदी। और एक ये, तो ये बिंदियां ली हुई है मैंने। और नेक्स्ट है ये शीट मास्क, ये गार्नियर का है। वैसे ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत सही मिल जाती है, इनमें ऑफर्स भी आते रहते हैं, बट मेरे को मिल गया तो फिर मैंने ले लिया। और मैंने लिए हुए हैं कुछ दिए, और ये थोड़े से कलर्स रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि मैं दिवाली पे यहाँ नहीं रहती हूँ, अपने ससुराल चली जाती हूँ, इस वजह से मैं करवा चौथ और दिवाली दोनों एक साथ में ही यहाँ मनाती हूँ। तो ये है मेरे दिए और कलर। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आज करी हुई है, और मुझे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास पहले से था, मैंने अभी थोड़े दिन पहले शॉपिंग करी थी, तो वो सारा कुछ मैंने ले लिया था। ये सारा जो लास्ट मोमेंट में लेने वाला होता है, तो वो मैंने अभी लिया हुआ है। अभी मुझे अपने करवे को भी निकालना है, फिर उसके बाद में उसको साफ़ करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो के रखा है, उसको मैंने जैसे यूज़ किया था उस तरीके से ही रख दिया था। इसकी कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो अब इसको मैं पानी से साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें कलर वगैरह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दो बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है, और अब मैं जब इसमें उबाल आएगा तो इसमें अल्मोनियम फॉयल जो होती है उसके टुकड़ों को डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने उसके टुकड़ों को डाला हुआ है, और अब मैं सारे बर्तन इसमें डाल दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं आएंगे, तो मैंने दो में रखा हुआ है। तो ये सारे छोटे वाले बर्तन इसमें डाले हैं, और अब मैं इसको 5 मिनट के बाद निकालूंगी। तो काफ़ी हद तक इसको निकल चुका है रंग, ये काफ़ी साफ़ हो गया है। बाकी का जो बचा हुआ है उसको मैं हाथ से कर लूँगी। अभी भी बहुत सारा कुछ करना बाकी है, जैसे कि मेहंदी वगैरह, तो वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपको आज का ये व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।